बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि एक भाई ने जो है वो सवाल पूछा था जवाज़ा से कि क्या खरूज नहाई वीज़े की जो मुद्दत है उसकी उसमें तौसी मुमकिन है या नहीं। खरूज नहाई जो हम लगवाते हैं, जिसको फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो बोलते हैं इंग्लिश में, क्या उसको जो है वो हम रिन्यू कर सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि हम उसको जो है उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आज कोई भी बंदा अपना खरूज लगवाएगा तो वो 60 दिन तक जो है वो वैलिड होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों जो है यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ पहले कि खरूज नहाई अगर आप लोग जो है वो कैंसिल नहीं करते, आपका एक्सपायर हो जाता है, तो आपको जो है वो 1000 रियाल जो फ़ाइन है वो आपको हो जाता है। अगर आप खरूज नहाई एक्सपायर होने से पहले पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरूज नहाई जो एक्सपायर होता है उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 2 महीने होती है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो सफ़र करना होता है। आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपने जो है वो पहले अपना इरादा बनाया कि मैंने फ़ाइनल एग्ज़िट पे जाना है, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे कोई अच्छी जॉब जो है वो मिल गई, तो आप लोग जो है वो अपने फ़ाइनल एग्ज़िट को अगर कैंसिल नहीं करवाते तो आपको 1000 रियाल जो है वो ग्रामा पे करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप जो है वो उसको तकरीबन 1 दिन उसके बाकी है एक्सपायर होने में, तब भी आप जो है उसको आप कैंसिल करवा देते हो, तो फिर आपका जो है वो कैंसिलेशन जो है वो बिल्कुल फ्री होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वो 60 दिन से ऊपर चला गया तो उसमें जो है वो फिर आप लोगों को 1000 रियाल ग्रामा जो है वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं कि क्या बंदा जो है वो खरूज नहाई वीज़े में जो है वो तौसी कर सकता है या नहीं। इसमें प्यारे दोस्तों जो है वो तौसी वगैरह नहीं होती, इसको कैंसिल ही करवाना होता है, इसमें कोई तौसी नहीं होती। आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है जी, कैंसिल करवा के जो है वो 60 दिन से पहले पहले अगर करवाओगे, फिर यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, तो आपको कोई भी ग्रामा जो है वो नहीं होगा। अगर आप जो है वो 60 दिन के बाद इसको कैंसिल नहीं करवाते, ये एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप लोगों को जो है वो 1000 रियाल जो है आपको पे करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, तो ये जो एक सवाल जो है वो एक भाई ने जवाजात से पूछा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी जो है वो यहाँ पे क्लियर कर दें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद अपडेट जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।